अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप, अल्लाह ये तो एकदम ही आ गई। उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ KBR अल-नूर सोसाइटी गुजर नाले पे और यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी है। आज 20 अक्टूबर सन 2021 और बुध का दिन है, तो मेरे साथ रहिए, मैं यहाँ के वर्किंग की अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। लोगों की जितनी कटिंग हो चुकी है और जितनी रह गई उसके मुताबिक वो अपनी दीवार खड़ी कर रहे हैं। ये ग्रीन निशान लगा हुआ है, यहाँ तक कटिंग होनी है। ये सामने गैस वेल्डिंग के जरिए बीम को काटा जा रहा है। थोड़ा और मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, मैं थोड़ा बैक पीछे होके बना रहा हूँ वीडियो ताकि अपनी सेफ्टी भी की जाए। और ये बीम बिल्कुल लटक चुका है पिलर समेत और ये नीचे की तरफ। कुछ दिन पहले यहाँ पर, एक दो दिन पहले इस मकान की कटिंग की गई थी और गैस वेल्डिंग के ज़रिए यहाँ पर भी पिलर काटा गया था। अब लेबर भी हाथों से काम कर रही है। अब ये मकान आप देख रहे हैं बिल्कुल आधा कटिंग हो चुका है, मज़दूर हाथों से भी काम कर रहे हैं। अब इस आधे से मकान की क्या मजबूती होगी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये सारे मकान कटिंग किए गए हैं और ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ KBR अल-नूर सोसाइटी से। सामने भी मकान में लेबर आपको नज़र आ रही होगी काम कर रही है। यहाँ मशीन मलबे को जो है लेबल में किया जा रहा है, जो मलबा गिरा हुआ है उसको लेबल में, ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो काम साथ साथ मशीन करती जा रही है। तो ये कि छोटी सी अपडेट थी KBR गुजर नाला अल-नूर सोसाइटी से। तो यहाँ से मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।